वैसे तो आपने कबाब बहुत खाया होगा, आज हम बना रहे हैं मटर का छिलका और चने दाल का कबाब। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आएगा। मैंने लिया है मटर का छिलका और चने की दाल। मटर के छिलके को मैंने धो लिया है और इसके मैंने सारे रेशे निकाल लिए हैं और इसकी डंडी भी निकाल ली है। ये देखिए सारे मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं। चने की दाल को मैं धोऊंगी। चने की दाल मैंने धो लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची, लकड़ी, इसको मैंने डाला है। और जो मैंने अब मुझे डालना है मटर का छिलका, नमक, थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पकाऊंगी हाई से लो फ्लेम पे। हाई से लो फ्लेम पे मुझे पकाना है जिससे मेरी चने की दाल गल जाए। अभी मेरी थोड़ी कच्ची है और थोड़ा पानी भी रह गया है। लो फ्लेम पे मैं थोड़ा और पकाऊंगी जिससे मेरी दाल गल जाए और मेरा जो पानी बचा था वो भी हो ख़त्म हो जाए, इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए चने की दाल और मटर का छिलका मेरा गल चुका है। दाल भी मेरी गल गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और उसको हल्का ठंडा होने दूंगी। इसके बाद मैं मिक्सी जार में ग्राइंड करूंगी, पीस लूंगी। सारी दालों को मैंने पीस लिया है। एक प्याज डालूंगी बड़ी साइज की, हरी मिर्च 4 से 5, काला नमक थोड़ा, फ्राई अनियन डाल के मैं इसको मिलाऊंगी। थोड़ा मैंने गरम मसाला भी डाला है। इस तरीके से मैं टिक्की बना लूंगी। सारी टिक्कियाँ मैं बना लूंगी इस तरीके से। गैस पे कढ़ाई चढ़ाना है, तवा चढ़ाऊंगी, तेल डालना है मुझे। उसके बाद हाई फ्लेम पे तेल को गर्म करना है, फिर गैस के फ्लेम को लो कर देना है। एक एक करके मैं अपनी टिक्कियाँ डालूंगी लो फ्लेम पे जिससे मेरी टिक्कियाँ जले भी ना, अच्छे से सिक जाए। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ बन गई है सारी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इसे ट्राई करिए करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है कबाब।